खरगोन शहर के मागरूर पर बुधवार को प्रशासन ने अब तक की बड़ी एवं अनोखी कार्रवाई की है। यहां प्रशासन ने 100 साल पुराने कब्जे की बेशकीमती करीब 12 एकड़ कृषि भूमि अपने कब्जे में ले ली है। सुबह करीब 10 बजे SDM ओम नारायण सिंह, नपहा CMO प्रियंका पटेल भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे चली कार्रवाई में यहां बने कच्चे पक्के निर्माण तोड़े गए। दोपहर 1 बजे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, SP धर्मवीर भी पहुंचे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि उक्त भूमि 1925 में बागेश्वरी मंदिर के नाम से अलॉट थी, जिसके प्रबंधक के तौर पर कलेक्टर के अधीन थे। शासन के निर्देश पर उक्त भूमि पर किए गए कब्जे को हटाया गया। इतने समय तक उक्त भूमि पर ध्यान क्यों नहीं दिया, इसकी जांच की जाएगी। यहां योगेश ठक्कर द्वारा कच्चे पक्के मकान निर्माण भी किया था, जिसे JCB की मदद से हटाया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मुताबिक उक्त भूमि करीब 60 करोड़ रुपए से अधिक की है। कितनी सर जमीन थी और कितनी कीमत होगी? देखिए, अनुमानित कीमत लोग 50 से 60 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन सबसे ये है कि शहर के भीतर ये बहुत ही बेशकीमती जमीन है और बहुमूल्य शासकीय जमीन। लंबे समय से सर कब्जा कर रखा था सर, ये आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों से कब्जा था और संबंधित व्यक्ति पे अपराध दर्ज हुआ था जो कब्जाधारी था, और वो भी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध दर्ज हुए, और उसको समय क्यों एक्शन नहीं लिया, इसकी जांच की जाएगी। ये क्या सर प्रबंधक कलेक्टर इस ट्रस्ट के थे सर, उनके नाम से दर्ज थी रिकॉर्ड में? हाँ, बेसिकली ऐसी सारी ज़मीनें जो मंदिरों की ज़मीनें हैं और मंदिरों को उपयोग के लिए दी जाती हैं, वो प्रबंधक कलेक्टर का नाम इसलिए दर्ज होता है कि उसका उस जमीन का उपयोग मंदिर की देखभाल के लिए हो, किसी के निजी लाभ के लिए। अब सर ये जमीन किसके कब्जे में सर अब रहेगी? जमीन चूंकि प्रबंधक कलेक्टर है तो इसके लिए तहसीलदार यहाँ के रिसीवर होंगे और उनके कब्जे में रहेगी, और भविष्य में अगर कोई अगर इस पर कब्जा पाएगा तो तहसीलदार जिम्मेदार होंगे। जमीन से कब्जा हटाया गया है, इस पर जो बोर्ड लगा हुआ था वो बेसिकली 2017 में रेप का एक्ट रहा है, माइनर लड़की के साथ में बलात्कार केस रजिस्टर्ड था, एट्रोसिटी की धारा में केस रजिस्टर्ड था, तो रेप के एक्यूज के द्वारा इस प्रकार का जो कब्जा किया गया था उसको प्रशासन और पुलिस ने कब्जा हटाया है। उसमें केस में फर्दर क्या अपडेटेड स्थिति है इसकी जानकारी लेंगे, उसमें भी कोई वैधानिक फर्दर कार्रवाई करने की जरूरत होगी तो वो भी की जाएगी। देखिए, ये जो भूमि है इसमें शासकीय रिकॉर्ड में प्रबंधक कलेक्टर के नाम दर्ज है, और ये मंदिर की भूमि है, इस पर बिना किसी अधिकार के ये कब्जा था और काफ़ी दिनों से कब्जा था, इसलिए आज इसको हटाया गया। ये प्रशासन की तानाशाही है, जबरदस्ती है। हम 1925 से जमीन पर खेती कर रहे हैं, ये मंदिर की जमीन है और हमारे नाम पे है, बाप दादाओं के नाम पे है। अचानक हमें कल प्रशासन बुलाता है और कल कहता है कि कल हमको बुलाया और तहसीलदार बोले कि कागज प्रस्तुत करो, तो हमने कहा कि एक दिन का समय दो, हम आपको कागज प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई हमें नोटिस भी नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी और अचानक आज आके तोड़ा ताड़ी करने लगे। हमारा आप देख रहे हैं कि जो हमारा मकान टूट गया है, फसल नष्ट हो रही है और हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ, सरकार से, विशेष शिवराज सरकार से निवेदन करता हूँ कि आपके राज्य में जो आपका नाम शिव है और शिव नाम के ऐसे पुजारियों को प्रताड़ित किया जाता है आपके गवर्नमेंट सरकार में, ये अच्छा नहीं है। ये ब्राह्मणों का आप आशीर्वाद ले, न कि उनके बददुआएं ले, और मेरे साथ न्याय करें। मैं न्याय की अपेक्षा करता हूँ, निवेदन करता हूँ सरकार से कि ऐसा जो हमारे पे करा जा रहा है इसमें हमें न्याय प्राप्त करना है। जमीन सरकारी थी या सरकारी है? तो सरकारी जमीन थी तो कहाँ है वो, तो हमको नोटिस आप भी जानते हैं कि कोई भी अतिक्रमण हटाने के पहले उसको नोटिस दिया जाता है, उसको समय दिया जाता है, लेकिन ना तो कोई लिखित वहाँ पास आदेश आया, न कोई समय दिया, कल कागज मांगे आज तोड़ दिया। ये कौन सा नाम से जमीन है? किस ट्रस्ट के नाम बना? ये ट्रस्ट नहीं हमारे, हमको एक किसी यजमान ने दान पत्र में दान दी, हमारे पास दान पत्र भी रखा है, हमारे दादाओं का नाम है, हमारे पिताजी का नाम भूस्वामी में 1974-75 में है, और अचानक ही आज जो प्रबंधक कलेक्टर सरकार ने बिठा दिया, तो केवल प्रबंधक है न कि शासकीय जमीन है ये। कहीं भी एक भी कागज पे सरकार बताती है कि शासकीय लिखा हुआ है तो मैं इसी अभी इसी समय जमीन को छोड़ देंगे, लेकिन कहीं भी कागज तो शासकीय नहीं लिखा है, सब पे लिखा है मंदिर प्रबंधक कलेक्टर महोदय, तो प्रबंधक है ना कि वो भी मालिक है। क्या नाम? मैं पुजारी जगदीश ठक्कर, खरगोन से अब्राहम पठान की ये रिपोर्ट।